माता की जय, भारत माता की जय, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। इस समय की तस्वीरें आपको बता दें कि यहां पर आप देख सकते हैं युवा राजपूत सभा द्वारा आज लोहड़ी के पावन अवसर पर युवा राजपूत सभा द्वारा एक कैलेंडर का जो है आज लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये वो कैलेंडर है जिसका लॉन्च किया गया है 2024 का जो कैलेंडर है आज लोहड़ी के पावन अवसर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर के ऊपर जो है महाराजा हरि सिंह जी बहादुर जी की जो है तस्वीर इस कैलेंडर में दिख रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें आप तक दिखाना साझा करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोहड़ी के पावन अवसर पर आप देख सकते हैं इस समय जो है कि आज 2024 का जो है कैलेंडर युवा राजपूत सभा द्वारा यहां पर आज लॉन्च किया गया है। यहां पर जो चाहते हैं कि यहां पर जो आज कैलेंडर लोहड़ी के पावन अवसर पर कैलेंडर का लॉन्च किया गया है युवा राजपूत सभा द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? सब तो पहले सारे मीडिया साथी का बड़ा शुक्रिया, जड़ा शॉर्ट नोटिस पर तो पुजी है थे सारे ही। एक ते जड़ा राम मंदिर साड़ा भव्य मंदिर जड़ा बना दा, सब तो पहले सारे जम्मू वासी सारे देश वासी ओदी मुबारक है। ओदे बाद लोहड़ी दी बड़ी बड़ी मुबारक है सारे जम्मू वासी और सारे देश वासी। अज अहे जड़ा कैलेंडर जड़ा युवा राजपूत सभा ने एक लॉन्च किया अपना, हालांकि अहे थोड़ा लेट ही काम स्टार्ट किया, लेकिन अहे आख्या कि लोहड़ी के अवसर पर जड़ा अहे जिदन लोहड़ी थे, क्योंकि साड़ा कोई भी जड़ा काम स्टार्ट होता अह महाराजा हरि सिंह स्टैचू पर आइए करने होने, क्योंकि जदों भी ऐसे कोई अपनी नींव रखी ही जल्द युवा राजपूत सभा एक महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखी ही और उन्दे जेड़े अडोल जी है उन्दे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की दी है और साड़ी सारी टीम का एको मनो महत्व होंगे कि असं जो काम करिए एकजुट हो सारे उन्दे दक्षता में करिए। तो जरा अज का जो कैलेंडर जो अहें लॉन्च किया एक पहल की है युवा राजपूत सभा ने बड़ी देर के बाद एक पहल की है कुछ चीज़ की, तो वह कैलेंडर अच्छ लॉन्च किया। देखो इस बार अजय थोड़ा छोटा कैलेंडर, अगले बार जरा बड़ा कट गया इस चीज़ की। हैप्पी जी क्या कहेंगे आज कैलेंडर लॉन्चिंग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखो एक कोशिश है कि अस अपना भी युवा राजपूत सभा का कैलेंडर घर घर पहुंचाचा, क्योंकि एक बड़ी बड़ी उपलब्धि जी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जी है वह युवा राजपूत सभा ने जम्मू के डोगरें इकट्ठे लेइए लेती दी है। काम बड़े ने होर भी करने वाले, लेकिन फिलहाल युवा राजपूत सभा ने एक संकल्प लिया अज 13 तरीक को लेइए आने वाली 22 तरीक धोड़ी हर जगह युवा राजपूत सभा जय श्री राम हुंदी झांकी कढ़ग, जिहदी शुरुआत बनतला कोला परसों दी होई दी है, कल सामे चक है, उहदे बाद आने वाले दिन सोमवार मुबारक मंडी कोला लेइए पूरे शहर च होंदे होंदे अस प्रति महाराजा हरि सिंह स्टैचू पर आगे 22 तरीक। मैं तुंदे मीडिया माध्यम ने सारे लोग इहे गल आखूंग कि जिन्ना सारे लोग ये साड़ा बड़ा सौभाग्य है कि असें इस युग में जन्म लिया, जिस युग श्री राम जी का भव्य मंदिर बनिए तैयार होया था, उनका अंदर जा दिन 22 तरीक सारे लोग इहे आके दीए जलाओ, अस भी कोशिश करके 22 तरीक पूरी युवा राजपूत सभा ने इत्थे लंगर लाना है, सारे लोगों न्योता है इत्थे आनी है उस राम जन्म भूमि का भागीदार बनने जय जयकार करन। सारे लोगों की सोमवार लगभग 1 बजे अहें मुबारक मंडी का एक पैदल यात्रा जी पूरे शहर चा कटते हुई जय श्री राम का गुणगान करते हुई स्टैचू बनानी खत्म करनी है, सारे लोग खुला नाता है खुला न्योता है। अज एक बार परती है सारी जम्मू के डोगरें की सारे हिंदुस्तान के लोगों की लोहड़ी के पर्व दी बहुत बहुत मुबारकबाद है। जय हिंद जय श्री राम डुगर एकता जिंदाबाद। तस्वीरें आपको दिखाने लॉन्चिंग के बाद की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं कि कैलेंडर आज जो युवा राजपूत सभा द्वारा इस पावन पर्व यानी कि लोहड़ी के अवसर पर यहां पर लॉन्च किया गया है और आप देख सकते हैं अब जो यहां पर लोहड़ी जलाई जाएगी और आपको बता दें महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा जो है उसके पास की तस्वीरें हैं तवी ब्रिज की, जहां पर आपको बता दें स्टैचू के नीचे की तस्वीरें हैं। अब यहां पर जो है यहाँ पर जो है लोहड़ी का त्योहार जो है वो धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा है जहाँ पर
आज यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है युवा राजपूत सभा के, वो यहाँ पर इस गायत्री मंत्र पढ़कर फिर उन्होंने यहाँ पर जो है आहुति दी है आज लोहड़ी के पावन अवसर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये वो तस्वीरें हैं महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास की, स्टैचू के पास की है, जम्मू की तस्वीरें आप तक साझा करते हुए समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। आहुति देते यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मगर यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने पहुंच जाते हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज साल का पहला, नए साल का पहला पावन त्योहार लोहड़ी। आपको बता दें युवा राजपूत सभा के द्वारा आज यहां पर महाराजा हरि सिंह जी की स्टैचू के पास जम्मू में आज कैलेंडर लॉन्च किया गया 2024 का, और साथ ही साथ यहां पर गायत्री मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति दी गई। यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं तमाम जो युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता है यहां पर इस समय आप परिक्रमा यहां पर लेते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये वो तस्वीरें हैं जो आप समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से इस समय लाइव देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप तक साझा करते हुए यहां पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में ढोल ताशे यहां पर बजते हुए इस लोहड़ी के पावन अवसर पर। जो यहां पर युवा राजपूत सभा के मेंबरान है वो यहां पर क्या कहना चाहेंगे आज लोहड़ी बहुत बहुत मुबारक पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की भारत वर्ष की आज लोहड़ी के पर्व दी सारे बड़ी बड़ी मुबारक और कोशिश कर सारे जो गरीब परिवार ने जुड़े दी सर्दी च कंबल भी नसीब नहीं होंगे कोशिश करो अपनी तरफ वितरण करना और आज भी कोशिश कर रहे हैं उन्हें परिवार तक पहुंचने की पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की खास करके मीडिया कर्मियों की बहुत बहुत मुबारक बहुत बहुत। तो कैलेंडर भी आज युवा राजपूत सभा की तरफ से लॉन्च किया गया है इस पावन त्योहार के ऊपर, क्या कहेंगे? कैलेंडर जो उपलब्धि महाराज साहब ने अपने कार्यकाल की और युवा राजपूत सभा ने जी छुट्टी का संघर्ष किया ज्ञान है और जी छुट्टियां और जेडे अपने कार्यकाल चुने किया कैलेंडर की बड़ी देर की डिमांड ही कि कैलेंडर होना चाहिए युवा राजपूत सभा आज तुहाडे सामने हो कैलेंडर भी लॉन्च होया। इस पावन त्यौहार उपर जम्मू कश्मीर की जनता के संदेश देना चाहिए? यही है कि प्रभु श्री राम आदन अयोध्या च 22 तरीक सारे लोग दीए बालन अपने घरें जेडे कोल मंदरों की साफ सफाई करन और उन्हें मंदिरों च आनी है बड़ी धूमधाम कन्नै उस दिन की दिखन 11 to 1 का टाइम है 11 to 1 तक वो लोग सारे उस जरा प्राण प्रतिष्ठा होवा दी उत्थे सबन और ओदे बाद जग खुशी बड़ी बड़ी गल है 500 कुछ साल बाद अगर वो भव्य मंदिर बना दा रामचंद्र जी दा तो एगो बड़ी खुशी दी गल कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको बता दें यहाँ पर तमाम लोग जो हैं आहुति देते हुए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पर कुछ और भी मेम्बरान है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। आपको बता दें महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास यहाँ पर आज लोहड़ी भी मनाई गई और साथ ही साथ जो है युवा राजपूत सभा की तरफ से 2024 का जो है आज कैलेंडर भी यहां पर लॉन्च किया गया और तमाम जो युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता हैं मेंबरान हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौजूद हैं। ये
तस्वीरें आपको जम्मू की महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्टैचू के पास की जो कि तवी ब्रिज के ऊपर स्थित है। यहाँ पर जो बात करेंगे विशाल जी, आज बहुत पावन त्यौहार है, साल नए साल का पहला त्यौहार जिसको कहा जाता, क्या कहेंगे? देखिए, युवा रायपुर सभा की तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को और भारत वर्ष के वासियों को लोहड़ी के पर्व की तो मुबारकबाद है ही। इसी में हम लोग कहते हैं कि देसी हमारा नया साल शुरू होता है मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम पुरानी बातों को भूल के नए बातों की तरफ जाना चाहते हैं, और हमारे हिंदुओं का त्यौहार एक चीज हमें प्रेरणा जरूर देते हैं कि हमें हमेशा ही बुराई पे अच्छाई की जीत मिलती है, और ये एक पहचान है हिंदुओं के त्यौहारों की। और इसी के चलते युवा रायपुर सभा ने आज अपना वार्षिक कैलेंडर, जिसे हम कहते हैं कि ईयरली कैलेंडर 2024 का भी लॉन्च किया, उसमें हमें युवा रायपुर सभा के स्ट्रगल के बारे में भी बताया। तो बड़ी बड़ी मुबारकबाद है जम्मू कश्मीर के लोगों को। एक ही चीज कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो भाईचारा है ये बना रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर का भाईचारा जो है ये सदियों से एक मिसाल है, और ये आने वाले वक्त में भी मिसाल। हम लोग एक हुए तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। तो आज के मौके पे, लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पे, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को बधाई दूंगा, और खासकर एक बधाई जरूर दूंगा कि जम्मू कश्मीर का मीडिया जो है युवा रायपुर सभा को शाना बशाना साथ देता है। आज ये खुशी का पर्व, उनके लिए भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखाई हमने, यहाँ पर आपने देखा कि तमाम युवा रायपुर सभा और आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कि आज जो है वार्षिक कैलेंडर जो है आज यहाँ पर युवा राजपूत सभा की तरफ से 2024 का इस पावन त्योहार यानी कि नए साल का पहला त्योहार लोहड़ी के उपलक्ष पर यहाँ पर आज 2024 का कैलेंडर जो है युवा राजपूत सभा द्वारा लॉन्च किया गया। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि लोहड़ी की आग जलाकर उसमें आहुति भी आज यहाँ पर दी गई, और कहीं ना एक बहुत अच्छा संदेश जो है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिया गया, और इस कैलेंडर को जो लॉन्च किया गया है, हम भी अपनी तरफ से समीक्षा न्यूज नेटवर्क की टीम की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको देते हैं, और कामना करते हैं कि आने वाले समय में आपका जो दिन है वो अच्छे अच्छे त्योहार जो है हमारे वो अच्छे से हम भाईचारे के साथ आगे भी मनाते रहें। ये तस्वीरें आपको जम्मू की दिखाई, आप भी अपनी राय इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।